Hello everybody, here we are going to study with the chapter number 20, the hapless ticket collector. Okay, this is the ICC board class 8 English literature. So let's begin this chapter. This chapter basically, let I give the summary of this chapter, then you will be able to do it very clearly and you don't have any doubt. If you have, so please comment it that. Your doubt and I will answer it. Okay, so first of all क्या होता है यहाँ पे, the hapless ticket collector, इसमें एक टिकट कलेक्टर होता है, उसका क्या नाम होता है, पोडियाटा जिन. तो जो टिकट कलेक्टर होता है वो मतलब कि उसको अपने आप को वो रीज़न देता है कि मुझे अगर सैलरी मिल रही है तो मुझे अपना काम करना चाहिए, तो वो अपने काम पे चला जाता है. अब जब वो टिकट चेक करने के लिए जाता है तो एक पर्सन होता है, एक ओल्ड फेलो मैन होता है, वो रोमैटिज्म का पेशेंट था. तो अब उन्होंने एक मेडिसिन लिया था, उस मेडिसिन का नाम था मॉर्फिया. तो उन्होंने मॉर्फिया मेडिसिन को लिया, उसके बाद वो सो गए. व्हेन ही स्लेप्ट, फिर पोडियाटा जिन वहाँ गया, उसने पोडियाटा जिन ने उनसे टिकट मांगी. वो नींद में थे और वो रोमैटिज्म के पेशेंट भी थे, वो बहुत ही ओल्ड थे. फिर वो भड़क गए इसी बात पर, वो गुस्सा हो गए. फिर क्या हुआ कि वो बोलने लगे कि दिस इज़ सच अ स्टूपिड, नॉट अ जॉब, दिस इज़ अ स्टूपिड थिंग, यू आस्क द टिकट. ओके, ऐसे बोलने लगे. तो जहाँ पे पूरे ट्रेन में जो पैसेंजर्स थे वो सब भी किसके अगेंस्ट रहे, ये पोडियाटा जिन टिकट कलेक्टर के अगेंस्ट थे, कि ऐसे सब लोग कहने लगे पैसेंजर्स कि ही शुड नॉट हैव टू बिहेव लाइक अ वेरी क्रूल बिहेवियर. ओके, ही डोंट हैव एन क्रूल बिहेवियर, ऐसे बोलने लगे कि इतना, जबकि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सिंपली ड्यूटी कर रहा था और कुछ नहीं कर रहा था. वो उसकी ड्यूटी ये थी कि टिकट लेकर चेक करना, यही होने लगा. फिर सब लोग कहने लगे वी वॉन्ट, वी जस्ट डोंट वॉन्ट एक्सप्लेनेशन, वी वॉन्ट वट, वी वॉन्ट जस्टिस, वी वॉन्ट apologization. ओके, सो वी वॉन्ट सॉरी, जस्ट से टू सॉरी टू हेम, हेम इज ओल्ड फेलो मैन. ओके, नाउ दिस इज द समरी ऑफ द चैप्टर, नाउ लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर बाय स्टडिंग. सो यहाँ पे क्या होता है कि ये चैप्टर जो है वो एंटन चेकोव ने लिखा है. ओके, इन्होंने ये स्टोरी लिखी हुई है. किस स्टोरी किस बारे में, ऊपर जो लिखा हुआ है बॉक्स में लिखा हुआ है, दिस स्टोरी बाय एंटन चेकोव टेल्स अस अबाउट अ ड्रंकन टिकट कलेक्टर ऑन अ ट्रेन एंड हिज अनहैप्पी एक्सपीरियंस व्हाइल ट्राइंग टू ब्रिंग अ बुक अ ट्रेवलर. ये कह रहे हैं कि ये ड्रंकन टिकट चेकर की है, और इस टिकट चेकर का क्या नाम है, व्हाट्स द नेम ऑफ द टिकट कलेक्टर, टिकट कलेक्टर्स नेम इज पोडियाटा जिन. ओके, नेम ऑफ द टिकट कलेक्टर इज पोडियाटा जिन. एंड उसका जो अनहैप्पी एक्सपीरियंस रहा है कि वो टिकट मांगने जाकर चेक करने का, जो उसका इतना अनहैप्पी एक्सपीरियंस था, उसके बारे में उन्होंने बताया कि उसका इतना अनहैप्पी एक्सपीरियंस रहा है कि वो गया वहाँ पे, उसको इतनी इंसल्ट मिली. ओके, तो अब लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. हियर गोज, आई हैव डन विद ड्रिंकिंग, नथिंग नथिंग शैल टेम्प्ट मी टू, इट्स टाइम टू टेक माई सेल्फ इन हैंड, आई मस्ट बक अप माई वर्क, यू आर ग्लैड टू गेट योर सैलरी सो यू मस्ट डू योर वर्क ऑनेस्टली हार्टली कंसिस्टेंसली रिगार्डलेस ऑफ स्लीप एंड कम्फर्ट, Chuck, taking it easy, you have got into the way of taking a salary for nothing, my boy. That's not the right thing, not the right thing at all. तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे जो आई है, आई कौन है, पोडियाटा जिन है. आई कौन है, पोडियाटा जिन है. तो ये आई पोडियाटा जिन कह रहा है कि मैंने अभी ड्रिंकिंग, मैंने ड्रिंक कर लिया है, अब कुछ भी नहीं है काम करने को, बट एक काम है जो मेरे हाथों में है. वट इज़ दैट, टू चेक द टिकट ऑफ द पैसेंजर्स. ओके, यू आर ग्लैड टू गेट योर सैलरी, तुम्हें उसकी सैलरी मिलती है. अपने आप को ही समझा रहा है कि मुझे इसकी सैलरी मिलती है अपनी ड्यूटी की, तो मुझे ये काम करना ही चाहिए. कैसे करना चाहिए, हाउ टू डू दैट वर्क. ही सेड यू हैव टू डू योर वर्क ऑनेस्टली
heartily, consistently, regardless of sleep and comfort. ओके वो यहाँ पे इस लाइन में क्या कह रहा है, ये ऑनेस्टली का अपना ये देखिए अगली लाइन में, डू योर वर्क ऑनेस्टली हार्टली कंसिस्टेंसली मीन्स रोज करो, लगातार करो, हार्ट मतलब दिल से काम करो और ऑनेस्टली काम करो. ये नहीं कि तुम उसको काम अपनी ड्यूटी को ना करो और तुम सो जाओ अपने आराम को देखो. नो यू गेट योर सैलरी फॉर दैट सो यू हैव टू डू दैट वर्क. ओके देन जो थे एंटोन चेखव वो इसको बहुत ही ईजी ले रहे थे, है ना, ये सब चीज़ें वो सब बहुत ईजी ले रहे थे. पर जब वो अपनी यू कट इन टू द वे ऑफ टेकिंग अ सैलरी फॉर नथिंग, तुम्हें ये थोड़ी ना बनना है कि तुम खाली सैलरी दे रहे हो किसी भी काम का नहीं, तुम्हें उसके लिए काम करना पड़ेगा. ठीक है, ये गलत बात है कि तुम काम ना करो, यू विल नॉट डू द ड्यूटी एंड यू विल गेट द सैलरी, दिस इज रॉन्ग वे, नॉट द राइट थिंग एट ऑल. आफ्टर एडमिनिस्ट्रिंग टू हिमसेल्फ सेवरल सच लेक्चर्स पुदातजन, इस लाइन में लिखा हुआ है कि उसने अपने आप को इतना सब कुछ सेवरल रीजंस बताए, सेवरल लेक्चर्स दे दिए उसने अपने आप को पुदातजन ने. पुदातजन क्या था, पुदातजन हेड टिकट कलेक्टर था जैसे हमने आपको बताया था. बिगिन्स टू फील एन इररेसिस्टिबल इम्पल्स टू गेट टू वर्क, इट इज पास्ट 1 o'clock एट नाइट. अब what's the time at the what's the time when Pudatajan was thinking to do the job honestly, so the time was at night 1 o'clock. 1 o'clock is the time. Okay, 1 o'clock. But in spite of that he wakes the ticket collectors and with them goes up and down the railway carriages inspecting the ticket. जबकि रात के 1 बज रहे थे उसने उठा और वो टिकट कलेक्टर्स के साथ ऊपर नीचे चलने लगा, रेलवे कैरेजेस में देखने लगा, टिकट को इंस्पेक्ट करने लगा. टी 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 टिकट प्लीज, ही कीप शाउटिंग ब्रिस्कली स्नैपिंग द क्लिपर्स. ओके तो यहाँ पे वो ऐसे बोल रहा है टी 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 टिकट टिकट. ओके ये ऐसे वो चिल्ला रहा है टिकट 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 प्लीज प्लीज टिकट टिकट ऐसे बोलते नहीं है वो लोग, तो ऐसे ही वो भी बोल रहा था. फिर यही से चिल्ला रहा था. फिर उसने कहा हाँ नेक्स्ट पेज, दिस पेज इज फिनिश्ड नाउ, द नेक्स्ट पेज इज योर्स. स्लीपी फिगर्स, स्लीपी फिगर्स, स्लीपी फिगर्स मतलब जो मैन जो था, मैंने बताया कि जो ओल्ड फेलो मैन था, स्लीपी फिगर्स उसे कहा गया है जो एक फेलो ओल्ड फेलो मैन था जो रिमाटिज्म का पेशेंट था और वो मॉर्फिया मेडिसिन लेकर सो गया था. जब पुदातजन उसके पास गया तो उसने कहा कि इट्स जस्ट अ स्टूपिड जॉब, ओह माय गॉड, ऐसे वो चिल्लाने लगा, कहने लगा. फिर क्या हुआ, शाउडेड इन द ट्विलाइट of the railway carriages start shake their hands and produce their ticket. Ticket please. Pudatajan addresses a second class passenger, a lean scraggy looking man wrapped up in a fur coat and a rug surrounded with pillows. Okay, so ye kya keh raha hai, Pudatajan ticket kisse mangi, टिकट उसने किससे मांगी, स्क्राजी लुकिंग मैन, स्क्राजी मतलब एक पतला सा दुबला सा ओल्ड मैन से टिकट मांगी, जैसे मैंने बताया था स्क्राजी लुकिंग मैन ओल्ड फेलो उसको कहा गया है ना. उसने पता था जिन्हें उसको एड्रेस किया, वो एड्रेस था सेकेंड क्लास पैसेंजर. सो पैसेंजर कौन सा था, वो सेकेंड क्लास पैसेंजर में था. ठीक है, और सेकेंड क्लास पैसेंजर में उसने एड्रेस करा उसको और कहा कि क्या पहने हुए थे, रैप्ड अप इन अ फर कोट एंड अ रग एंड सराउंडेड विद पिलोज. रैप्ड इन अ फर क्लोथ, रैप्ड इन अ फर क्लोथ, वेयर इज इट रिटन हियर, दिस सी
wrapped up in a fur coat and a rug and surrounded with pillows. उसके आजू बाजू क्या लगा होता है, तकियाँ रखी हुई थी और फर कोट से रबा, मतलब फर कोट ऐसे पहने हुआ था और एक ही चादर ओढ़े हुआ था. उसने पता था, उसने कहा टिकट प्लीज़. तो वो तो मॉर्फिया मेडिसिन लेकर सो गया था. तो जो ओल्ड मैन, तो उस ओल्ड मैन ने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया. द स्क्रॉजी लुकिंग मैन मेक्स नो रिप्लाई. ही इज़ बरीड इन स्लीप. वो अपनी स्लीप में पूरा बरी हो गया था, मतलब गहरी नींद में सो रहा था. द हेड टिकट कलेक्टर टचेस हिम ऑन द शोल्डर एंड रिपीट्स इम्पेशेंटली. ओके, तो जो पौधा जनता वो भी ऐसे बार बार बोल रहा था टिकट प्लीज़ टिकट प्लीज़ टिकट प्लीज़ लाइक दिस. ओके, वो इमीडिएटली इम्पेशेंटली बोल रहा था, वो पेशेंट के बाहर हो गया था कि वो ड्रंकन था. ओके, फिर जो हेड टिकट कलेक्टर था, हेड टिकट कलेक्टर मीन्स पौधा जन राइट देयर. ओके, द हेड टिकट कलेक्टर जो लिखा हुआ है यहाँ पर उसको लिख लो. ऐसे क्या होगा कि आप जब पढ़ोगे ना तो आपका रिवाइज होता रहेगा कि MCQs में आ सकता है. हु वॉज द हेड टिकट कलेक्टर, सो यू कैन राइट एट पॉल आर्थर जन. MCQ में आ सकता है ना. सो इस जो चैप्टर है यहाँ पे चार कैरेक्टर्स हैं, एक तो पॉल आर्थर जन और दो ओल्ड स्कॉजी मैन थे. ओके, दो ओल्ड फेलो मैन थे. ओके, और एक कौन था आपका, प्यूसुट इसका इंजीनियर. ओके, अब इसके बारे में पढ़ेंगे. ओके, सुनो अभी यहाँ पर हेड टिकट कलेक्टर जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आप हेड टिकट कलेक्टर में ऊपर अंडरलाइन करके पूरा दर्जन लिख दीजिए तो आपको याद रहेगा. देन शोल्डर एंड रिपीट, और उसका शोल्डर भी लाया पौधा था जिनने कि उठो भाई. फिर बताए टिकट टिकट प्लीज़ प्लीज़ ऐसे बोलने लगा. द पैसेंजर स्टार्ट्स ओपन हिज आईज एंड गेजेस इन अलार्म एट पौधा था जिन. फिर जो पैसेंजर्स थे वो अपने धीमे धीमे आँखें खोलने लगे. ओके, जगने लगे पैसेंजर्स, ऐसे इतनी तेज़ तेज वो बोल रहा था. और वो एक पौधा था जिन एक अलार्म जैसा बज रहे थे कि सबको जग रहे थे सब लोग. फिर बोला वो, फिर वो बोला कि द पैसेंजर स्टार्ट ओपन इज राइज इन गेजेस इन अलार्म एट पोलाजन. व्हाट हु, ऐसे पैसेंजर्स बोलने लगे. व्हाट हु, इट्स लाइक दिस, यू आर रॉक्स इन प्लेन लैंग्वेज. ओके, टिकट टिकट प्लीज इफ यू प्लीज. ओके, यू आर रॉक्स इन प्लेन लैंग्वेज. ओके, सारी लैंग्वेज में बोलो, टिकट प्लीज इसे मत बोलो भाई. माई गॉड, मून्स द स्क्वाजी लुकिंग मैन पुलिंग अ वी बिगिन फेस. गुड हेवेंस, आई एम सफरिंग फ्रॉम रिमाटिज्म. आई हैवंट स्लेप्ट फॉर 3 nights. आई हैव जस्ट टेकन मॉर्फिया ऑन अ पर्पस टू गेट स्लीप एंड यू विद अ टिकट. इट्स मर्सीलेस, इट्स इनह्यूमन. If you knew how hard it is for me to sleep, you wouldn't disturb me for such nonsense. It's cruel, it's absurd. And what do you want with my ticket? It's positively stupid. Okay, I said that wo bolta hai positively stupid. So isme kya bata raha hai ki yahan pe wo person keh raha hai ki भाई मैं, ओ माय गॉड ऐसे पर्सन बोल रहा है. ओ माय गॉड भाई ऐसे, वो जो ओल्ड स्कॉजी मैन था वो ऐसे बोल रहा है. ओ माय गॉड भाई, ये स्कॉजी लुकिंग मैन को तुमने देखा नहीं और तुम ऐसे उसको पुल कर रहे हो. भाई गुड हेवेंस, आई एम सफरिंग फ्रॉम रिमाटिज्म. हेयर हु इज़ आई हेयर. आई एज ओल्ड स्कॉजी मैन. हु इज़ आई, ओल्ड स्क्रॉजी मैन. ओके मैन, ओके. नाउ ही सेड आई एम सफरिंग फ्रॉम रूमेटिज्म. आई हैवंट स्लेप्ट फॉर 3 nights. उसने कहा मैं 3 रातों से सोया नहीं हूँ और मैंने अभी मॉर्फिया लिया. ये देखो यहाँ पे मॉर्फिया नाम लिखा हुआ है. तो भाई यहाँ पे जो मॉर्फिया नाम लिखा हुआ है वो उस मॉर्फिया एक मेडिसिन का नाम है. ओके, जिसको वो लेकर सोने के पर्पस लेकर नींद की दवाई लिया उसने और सो गया. तो व्हाट इज मॉर्फिया, मेडिसिन. ओके, जस्ट राइट डाउन देयर. नाउ
और तुमने मुझे जगा दिया विद योर टिकट्स, ये बिल्कुल बेकार है, इनह्यूमन। अगर तुम्हें पता होता कि कितना मेरे लिए सोना कितना मुश्किल काम है, तो मुझे इस नॉनसेंस की चीज़ के लिए तो मुझे डिस्टर्ब नहीं करते। आई जस्ट रिमेंबर दैट, यू रिमेंबर दैट, मैं ऐसे सोया हूँ, मैं 3 रातों से सोया नहीं हूँ। ये बिल्कुल बहुत ही क्रूल बिहेवियर है तुम्हारा। एंड वॉट डू यू वॉन्ट विद माई टिकट, और तुम क्या चाहते हो मेरी टिकट लेकर? बिल्कुल पागल ही काम है बिल्कुल ये, ऐसे वो बोलने लगा। नाउ देन पोदाताजन कंसिडर्स वेदर टू टेक ऑफेंस और नॉट एंड डिसाइड्स टू टेक ऑफेंस। ओके, पोदाताजन सोचने लगा, डिसाइड करने लगा कि इस सिचुएशन में वो ऑफेंस ले या फिर नहीं ले। तो उसने कहा कि मैं ऑफेंस लूँगा। मतलब वो एक उससे रिप्लाई देगा। तो उसने कहा पोदाताजन ने, डोंट शाउट हियर, दिस इज़ नॉट अ टैवर्न, डोंट शाउट हियर, यहाँ पे शाउट मत करो, दिस इज़ नॉट अ टैवर्न। ओके, नो इन अ टैवर्न पीपल आर मोर ह्यूमेन। तो वो नो, देखो पहले तो ये डोंट शाउट हियर, दिस इज़ नॉट अ टैवर्न, ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है पोदाताजन। ओके, और नो इन अ टैव, और ये अंडरलाइन कर लो, लिख लो पहले, डोंट शाउट हियर, दिस इज़ नॉट अ टैवर्न। हु इज सेइंग दिस? दिस इज सेड बाय पोदाताजन। ओके, एंड नो इन अ टैवर्न पीपल आर मोर ह्यूमन, कफ द पैसेंजर, परहैप्स यू विल लेट मी गो टू स्लीप अनदर टाइम, इट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आई हैव ट्रेवल्ड अब्रॉड ऑल ओवर द प्लेस एंड नो वन आस्क्ड फॉर द माई टिकेट्स होकर। ओके, तो पहले आप पढ़ो ये जो दो लाइन है उसमें क्या कह रहा है, उसमें ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है, कौन कह रहा है लिख लो जल्दी से, कौन कह रहा है? ओल्ड मैन। ओके, हु इज सेइंग दिस? ओल्ड मैन कह रहा है कि भाई टैवर्न में जो पीपल्स होते हैं वो और भी ज़्यादा ह्यूमन होते हैं, वो पैसेंजर्स की रिस्पेक्ट करते हैं, और मैं अब्रॉड पे घूम कर आ गया, वहाँ पर भी मुझे किसी ने मेरे टिकट के बारे में नहीं पूछा। ओके, नाउ लेट्स नेक्स्ट पेज। माई टिकट देयर, बट हियर यू आर एट इट अगेन एंड अगेन, एज दो द डेविल वर आफ्टर यू। उसने कहा कि भाई डेविल पे तेरे बाद ही होगा। वेल यू डिड बेटर गो अब्रॉड अगेन सिंस यू लाइक इट्स टू सो मच। तो वो पोदाताजन कहता है, वो बोलने लगा कि येस यू डिड बेटर टू गो अब्रॉड अगेन सिंस यू लाइक इट सो मच, अगर तुम्हें ज़्यादा अच्छा लगा वहाँ पर तो वहाँ फिर से जाना। ओके, फिर बोला वो, इट्स स्टूपिड सो येस, as though it's not enough killing the passenger with fumes and stiffness and George, they want to struggle us with red tape, red tap, and two red tape and two damn it all, he must have the ticket, my goodness what a zeal, if it were of any use to the company, but half the passenger in travelling without a ticket. So, well, it's a stupid sir. It's just a stupid sir. Yes, as the up itna ghume aur jo passengers stay with fumes and stuffiness and droids. तो ये बोलने लगे कि एज इट्स नॉट इनफ किलिंग द पैसेंजर्स विद फ्यूम्स एंड स्टिफनेस एंड ड्रॉट, मीन्स ड्रॉट मतलब होता है कि करेंट्स ऑफ एयर, ओके, स्ट्रेट ऑफ करेंट्स ऑफ एयर, ऑलराइट, एंड कि आप वहाँ पे टेप और टू डैम इट ऑल, ओके, ये सब आप नहीं, स्ट्रेंज है आपके लिए, एंड आपके और यहाँ पे बहुत सारे जो पैसेंजर्स हैं वो विदाउट द टिकट ट्रेवल कर रहे हैं, दैट्स वाई माई ड्यूटी इज़ टू चेक द टिकट। ओके, आई एम सिंपली डूइंग माई ड्यूटी, उसने यही कहा कि फिर बोले, लिसन सर, क्राइज पोदाताजन। पोदाताजन ने रोते हुए कहा, लिसन सर, फ्लेयरिंग अप, इफ यू डोंट लीव ऑफ शाउटिंग एंड डिस्टर्बिंग द पब्लिक, आई शैल बी ऑब्लिज टू पुट यू आउट एट द नेक्स्ट स्टेशन एंड ड्रॉ अप अ रिपोर्ट ऑन द इंसिडेंट। ओके, पोदाताजन ने कहा कि देखिए सर,
उसने गाइस ही कहा कि देखिए सर कि अगर आप ऐसे ही चिल्लाते रहेंगे और ये अपना जो चिल्लाना बंद नहीं करेंगे और पूरा पब्लिक को डिस्टर्ब करते रहेंगे तो आपके खिलाफ़ मुझे एक ऑब्लिज लेना पड़ेगा कि और ये आपको नेक्स्ट सेशन पे आपको उतारेंगे हम और इस इंसिडेंट के बारे में हम रिपोर्ट भी कर देंगे। तो इससे अच्छा है कि आप शांत हो जाइए। दिस इज़ रिवोल्टिंग, एक्सक्लेम्ड द पब्लिक। पब्लिक सेड दिस इज़ रिवोल्टिंग, ग्रोइंग इंडिजेनेंट, persecuting an invalid means stalking an invalid, listen and have some consideration। तो पब्लिक चिल्लाने लगी। पब्लिक ने कहा कि ये तो गलत बोल रहे हो तुम, उसको रिवोल्ट करो, वो एक क्या कहते हैं, वो एक स्कार्जी ओल्ड मैन है और वो नहीं, वो रिमाटिज्म का पेशेंट है और तुम उससे ऐसे बोल रहे हो। दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ नॉट द करेक्ट वे टू टॉक, दिस इज अ क्रूअल बिहेवियर। पब्लिक सेड दिस इज अ रिवोल्ट। नाउ आप ऐसे किसी पर्सन को स्टॉक नहीं कर सकते हो। फिर क्या हुआ? फिर बोलता है बट द जेंटलमैन हिमसेल्फ वॉज अब्यूजिव, सेज पोलाटोजिन अ लिटिल स्केयर्ड। पोलाटोजिन क्या कहने लगा, मतलब थोड़ा सा डरी डरी स्केयर्ड आवाज़ में उसने बोला कि तो जेंटलमैन खुद ही एक अब्यूजिव है। But the gentleman himself was abusive, says Potatogen, a little scared. So, very well, I won't change the ticket as you like, only of course, as you know very well, it's my duty to do so. If it were not my duty, then of course, you can ask the station master, ask anyone you like. So, वो बोलता है Potatogen, very well, I won't take the ticket. कोई बात नहीं, मैं ticket नहीं लूँगा, as you like. जैसे आपको मर्जी है, ओके, बट ओनली ऑफ कोर्स एज यू नो, आपको पता है कि मैं एक टिकट कलेक्टर हूँ और ये मेरी ड्यूटी है टिकट चेक करना, और मैं एक टिकट कलेक्टर होने के बाद नाते ही मैं टिकट देख रहा हूँ। अगर मैं टिकट कलेक्टर नहीं होता, दिस इज़ नॉट माई, इफ़ इट वर नॉट माई ड्यूटी, सो देन ऑफ कोर्स कि आप मेरी कंप्लेन कर सकते थे, आप किसी स्टेशन मास्टर से पूछ सकते थे, आप जिसको पूछना चाहे उसको पूछ सकते थे। Potatogen shrugs his shoulders and walks away from the invalid. At first, he feels aggrieved and somewhat injured. Then, after passing through two or three carriages, फिर क्या हुआ कि ये बोलते हैं कि Potatogen अपने shoulders को ऐसे shrug करता है ऐसे ना, फिर बोलता है और दूसरे फ्रॉम द इन्वॉलिड, अवे फ्रॉम द इन्वॉलिड, जो इन्वैलिड पर्सन था उसके पास से लेता है। एटी फर्स्ट ही, एट फर्स्ट ही फील्स, पहला वो क्या सोचता है कि ये जो है मतलब एग्रेविड, मतलब बहुत ही गुस्सा फील करता है, समवर इंजर्ड भी फील करता है, बट वो जब वो दूसरे और तीसरे कैरेज में पहुँच जाता है, फॉर ही बिगिंस टू फील सर्टेन अनइजनेस फील करता है, नॉट अनलाइक द पिकिंग ऑफ कॉन्शियस इन टिकट कलेक्टर बूजम, मीन्स वो टिकट कलेक्टर पूछना नहीं जाता था। फिर उसके बाद जब वो दूसरे कैरेजेस में जाता था तो वो उसको एक अनइजनेस आती थी कि टिकट मांगने में। देयर सर्टेनली वॉज नो नीड टू वेक द इनवैलिड, ही थिंक्स, ओके। तो वो बाद में सोचते कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी कि उस इनवैलिड पर्सन को उठाने की, ओके, थ्रो इट वॉज नॉट माई फॉल्ट, पर कोई बात नहीं, मेरी ये फॉल्ट नहीं है, ये मेरी ड्यूटी है। दे इमेजिन आई डिड इट वॉन्टनली आइडली, दे डोंट नो दैट आई एम बाउंड इन अ ड्यूटी। 5 minutes बिफोर थर्ड बेल पोटाटोजन जो इंटर द सेम सेकेंड क्लास कैरेज, बिहाइंड हिम स्टॉक्स द स्टेशन मास्टर इन अ रेड कैप, ओके। फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि 5 मिनट बाद जब उसकी ड्यूटी फिर से थर्ड बेल हुई, तब वो उसी सेम सेकंड क्लास कैरेज में पहुंचा। उसके बिहाइंड है, उसके पीछे क्या होता है, स्टॉक द स्टेशन मास्टर इन रेड कैब, उसने उसको स्टेशन मास्टर एक रेड कैब में था, उसको स्टॉक कर दिया उसने पोटाटोजन को। दिस जेंटलमैन हियर पोटाटोजन बिगिंस, ओके। तो पोटाटोजन कहता है कि दिस जेंटलमैन है, पोटाटोजन बिगिंस डिक्लेयर दैट आई हैव नो राइट टू आस्क फॉर अ टिकट एंड ऑन्ड इज ऑफेंड एट इट, आई आस्क यू मिस्टर स्टेशन मास्टर टू एक्सप्लेन हिम।
do I ask for tickets according to regulation and or to please myself? Sir, Podatajit addresses the scratchy looking man. Sir, you can ask the station master here if you don't believe me. तो पदाचार्य ने स्टेशन मास्टर उसको रोकता तो उस पदाचार्य कहता है कि उसको इशारा देते हुए उस गार्जियन मैन से कि सर उसको आप ये जो मैन है वो क्या कह रहे हैं मुझसे कि मेरे पास कोई भी राइट नहीं है कि मैं टिकट ले लूँ और उल्टा मेरे को ऑफेंड कर रहे हैं और आई आस्क यू मिस्टर वो कहता है कि मैं आपको पूछता हूँ कि मिस्टर स्टेशन मास्टर कि आप इनको एक्सप्लेन कर दें कि मेरे पास क्या डू आई आस्क फॉर टिकट्स अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन और टू प्लीज माई सेल्फ मुझको प्लीज कर दीजिए आप या फिर उनसे कह दीजिए कि मेरी एक ये ड्यूटी है और मुझे रेगुलेशन के हिसाब से मुझे रेगुलरली काम करना है ओके वो एड्रेस करता है कि उसको स्क्रैच लुकिंग मैन को सर यू कैन आस्क स्टेशन मास्टर हियर इफ़ यू डोंट बिलीव फिर वो कहता है कि सर यू आस्क स्टेशन मास्टर इफ़ यू डोंट बिलीव मी ओके द स्टेशन मास्टर इज हियर द इनवैलिड स्टार्ट एज दो ही हैड बीन स्टंग ओके ओपन हिज आईज एंड विद अ वी बी गोन फेस सिंक्स बैक इन हिज सीट वो स्टेशन मास्टर फिर से ऐसे बोलता है वो स्टेशन मास्टर नहीं बोलते वो बोलता है कि नेक्स्ट पेज आता है स्टेशन मास्टर बोलता है कि स्टेशन मास्टर नहीं बोलता बेसिकली ओल्ड स्क्रैची मैन अपनी आँख खोलता है फिर ऐसे देखता है फिर माई गॉड आई हैव टेकन अनदर पाउडर एंड ओनली जस्ट डोज्ड ऑफ व्हेन देयर इज अगेन 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 आई बीसीच यू हैव सम पिटी ऑन मी वैसे चिल्लाता है चिल्लाता है कि ओ भाई ओ भगवान मैंने अभी दूसरा डोज लिया था उस डोज का पाउडर अब भाई तुमने मुझे फिर से जगा दिया अगेन एंड अगेन मेरे में कोई दया खाओ जाओ यहाँ से वो ऐसे बोलता है यू कैन आस्क द स्टेशन मास्टर वेदर आई हैव द राइट टू डिमांड योर टिकट और नॉट तो पदाचार्य कहते हैं कि आप स्टेशन मास्टर से पूछ सकते हैं कि मेरे पास राइट है आपसे टिकट मांगने का या नहीं दिस इज इनसिफरेबल टेक योर टिकट टिकट I'll pay for 5 extra if you will only let me die in peace. Have you never been ill yourself, heartless people? तो वो बोलता है कौन बोलता है वही बोलता है जो ओल्ड स्कॉर्जी मैन ये तो बहुत ही बेकार है भाई अरे लो भाई टिकट ले लो तुम टिकट मैं 5 एक्स्ट्रा टिकट का पैसा दे दूँगा पर कभी तुमने एक हमें इंसान कहना था मैं 5 एक्स्ट्रा टिकट का पैसा दे दूँगा लेकिन मुझे अच्छे से सो जाने दो भैया पीस में हमको शांति से रहने दो हार्डलेस पीपल उसने कहा हार्डलेस पीपल ओके दिस इज सिंपली पर्सिक्यूशन अ जेंटलमैन इन मिलिट्री यूनिफॉर्म ग्रोज इंडिजिनेंट आई कैन सी नो अदर एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस परसिस्टेंस फिर बोला ड्रॉप इट सेज द स्टेशन मास्टर फ्रोनिंग एंड पुलिंग पदाचार्य बाय द स्लीव ओके भाई पर क्या हुआ स्टेशन मास्टर ने पदाचार्य से कहा कि भाई ड्रॉप इट और पदाचार्य की स्लीव को पुल करा और लेके चला गया फिर देखो क्या हुआ पदाचार्य श्रक्स हिज शोल्डर एंड स्लोली वॉक्स आफ्टर द स्टेशन मास्टर पदाचार्य अपने शोल्डर्स को श्रक करते हुए और स्टेशन मास्टर के पास स्टेशन मास्टर के पीछे पीछे चलते रहते हैं फिर क्या हुआ देखो भाई फिर देखो क्या हुआ फिर ये हुआ कि जो देर इज नो प्लीजिंग देम ही थिंक्स बिविल्डर्ड It was for his sake I brought the station master that he might understand and pacify that he swears, okay? और वो आराम से बैठ जाए उसने बस पदाचार्य ने यही कहा एंड अदर स्टेशन आया द ट्रेन स्टॉप्स फॉर 10 मिनट्स 10 मिनट के लिए ट्रेन रुकी बिफोर द सेकेंड बेल वेल पदाचार्य ने स्टैंडिंग एट द रिफ्रेशमेंट बार ड्रिंकिंग शेल्टर्स और वाटर Two gentlemen go up to the him and one in the uniform of the engineer and another in the military overcoat. अब हमने जैसे बताया था कि ये जो दो मैन और आए यहाँ पर उन दो मैनों ने क्या कहा तो अब दूसरा स्टेशन जैसे आया तो जब ट्रेन 10 मिनट के लिए रुकी और सेकेंड बेल से पहले बिफोर द सेकेंड बेल जब पहुँचा था जिन कहाँ पर खड़ा हुआ था रिफ्रेशमेंट बार में खड़ा हुआ था
shelter water drinker though. Which water he's drinking? Selt. It is seltzer water. Seltzer H2O, okay? फिर वहाँ पे टू जेंटलमैन उसके पास आए. एक किसके यूनिफॉर्म में था? यूनिफॉर्म ऑफ एन इंजीनियर. इंजीनियर का क्या नाम था? प्यूजेट स्काई. ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंजीनियर? प्यूजेट स्काई. ओके, एंड अदर इन द मिलिट्री ओवरकोट. और दूसरा कौन था? मिलिट्री के ओवरकोट पे था. मिलिट्री के कोट में था. अब नेक्स्ट हमारा क्या था? नाउ फिर क्या हुआ? वो जो इंजीनियर था वो पोडाताजन को एड्रेस करते हुए उसने कहा, लुक हियर टिकट कलेक्टर, योर बिहेवियर टू दैट इनवैलिड पैसेंजर हैज रिवोल्टेड ऑल हु विटनेस्ड इट. माय नेम इज प्यूजेट स्काई. इसमें रहता है इंजीनियर का नाम क्या था? प्यूजेट स्काई. आई एम एन इंजीनियर. ओके, एंड दिस जेंटलमैन इज कॉलोनल. मीन्स कॉलोनल. इफ यू डू नॉट अपोलोजाइज to that passenger, we shall make a complaint to the traffic manager who is a friend of ours. Okay, तो वो प्यूजेट स्काई कहता है कि ये देखो जो मेरे जेंटलमैन है उनका नाम क्या है? कॉलोनल है. और मेरा नाम है प्यूजेट स्काई. और जो तुमने उस इनवैलिड पर्सन के साथ किया है ना, वो जितने भी उसके साथ थे वो सब उनके विटनेस हैं. अगर तुम मुझसे सॉरी नहीं बोलोगे, इफ यू डोंट अपोलोजाइज टू द पैसेंजर, उससे अगर तुमने माफ़ी नहीं मांगी, तो वी क्या है? हु आर वी हियर? कॉलोनल एंड प्यूजेट स्काई. तो वी शैल मेक अ कंप्लेंट. हम लोग कंप्लेंट कर देंगे जाकर ट्रैफिक मैनेजर को. ट्रैफिक मैनेजर जो कि हमारे फ्रेंड हैं. हु वाज़ द फ्रेंड ऑफ प्यूजेट स्काई? ट्रैफिक मैनेजर. ओके ओके, फिर कहते हैं जेंटलमैन, वाई ऑफ कोर्स यू. पोदाताजन इज पैनिक स्ट्रिकन. पोदाताजन एक पैनिक स्ट्रिकन में था कि वो जेंटलमैन कहता है, जेंटलमैन वाई ऑफ कोर्स यू. पोदाताजन इज पैनिक स्ट्रिकन. वी डोंट वांट एक्सप्लेनेशंस. वो कहता है हमें एक्सप्लेनेशंस नहीं चाहिए, बट वी वॉन्ट यू, इफ यू डोंट अपोलोजाइज वी शैल सी जस्टिस डन टू हिम. अगर तुम उसको माफ़ी नहीं मांगोगे उससे, तो हमें जस्टिस चाहिए, मुझसे कंप्लेंट कर देंगे तुम्हारी. सर्टेनली आई अपोलोजाइज ऑफ कोर्स टू बी श्योर. तो वो कहता है कि आई अपोलोजाइज ऑफ कोर्स टू बी श्योर. हाफ एन आवर लेटर, पोदाताजन हैविंग थॉट ऑफ एन अपोलोजेटिक फ्रेज विच वुड सेटिस्फाई द पैसेंजर विदाउट लोअरिंग हिज ओन डिग्निटी, वॉक्स इनटू द कैरेज. सर, ही एड्रेसेस द इनवैलिड. लिसन सर, द इनवैलिड स्टार्ट्स एंड लीव्स अप. व्हाट वॉज इट? यू मस्टन्ट बी ऑफेंड. फिर से तुमको शर्म नहीं आई? कुछ वॉटर, गैस्प द इनवैलिड. क्लचिंग एट हिज हार्ट, आई टेड जस्ट टेकिन अ थर्ड डोज ऑफ मॉर्फिया, ड्रॉप अस्लीप एंड अगेन. गुड गॉड, वेन विल दिस टॉर्चर सीज? आई ओनली, यू मस्ट एक्सक्यूज. Oh, put me out at the next station. I can't stand anymore and I'm dying. Okay, this is mean distribution. Okay, बोलते हैं कि put me out at the station. This means disgusting. Disgusting उसने. This is mean disgusting. Cry the public. Cry. उसने चिल्लाया. Public revolted. Go away, you shall pay for such persecution. Get away, उसने ऐसे कहा. पोदाताजन waves his hand in despair, sighs and walks out of the carriage. He goes to the attendant's compartment, sits down at the table, exhausted, and complains. Oh, the public, there is no satisfying them. It is no use working and doing one's best, one's driven to drinking and cursing it all. If you do nothing, they are angry. If you begin doing your duty, they are angry too. There's nothing for it but drink. Pottersden empties a bottle straight off and thinks no more of work, duty and honesty. Read the lesson quietly to yourself. अब इसको हम बताते हैं, समझाते हैं. इसमें इस पूरे पेट में क्या बताया उन्होंने, हमने रीड करा था ना, इसलिए कह रहे हैं.
अब देखो इसमें ऐसा कुछ नहीं बताया उन्होंने, इसने यही बताया कि जो प्रोजर जब उन्होंने कहा कि उसे सॉरी बोल रहा था, तो जब वो उसने प्रोजर ने कहा येस ऑफ कोर्स आई विल से सॉरी टू हिम ओके, जब फिर वो जाता है उसके पास, कहता है कि लिसन सर सुनिए, उसी ओल्ड स्कार्जी मैन से कहता है, और ओल्ड स्कार्जी मैन क्या कर रहा होता, सो रहा होता है, कौन सी डोज लेकर, मॉर्फिया की, मॉर्फिया की वो थर्ड डोज लेकर सो रहा होता है, उसने थर्ड डोज ले ली होती है, तो वो बोलता है भाई तुम फिर से आ गए, ऐसे वो कहता है कि ओ गॉड तुम फिर से आ गई, तुम्हें अभी चैन नहीं मिला, कितने बेशरम इंसान हो, है ना, वो ऐसे बोलने लगा। तो उस टाइम पे पौधाजन शांत था, सॉरी उस टाइम पे पौधाजन जो था वो शांत था, जो बोल रहे थे वो वही बोल रहे थे, स्कार्जी मैन ओके ओल्ड मैन वही बोल रहा था। अब फिर क्या हुआ, उसने कहा कि पब्लिक चिल्लाए पब्लिक, अब फिर पब्लिक ने भी कहा कि गो अवे फ्रॉम हिम ही इज द पर्सन टू रिमार्डिज्म, पब्लिक भी उसको शांत करने लगी। फिर जब पौधाजन ने कहा कि भाई यहाँ पे कोई मैं उसकी बात नहीं सुन रहा है ओके, तो पौधाजन ने अपनी ड्यूटी वूटी सब छोड़ी और किसी के बारे में सोचा नहीं, उस ड्यूटी छोड़ी नहीं मतलब उसने रिजाइन नहीं किया, उसने उस टाइम पे कुछ सोचा नहीं और गया और बॉटल उसने ड्रिंक करी और पूरी एक बॉटल खाली कर दी और वहीं पर जाके लेट गया, सो गया एंड थिंक्स नो मोर ऑफ वर्क ड्यूटी। ये स्टोरी में बेसिकली अगर आप कहो कि जो पौधाताजन था वो गलत था, तो एट माई सेंस जो पौधाताजन था वो बेसिकली अपनी ड्यूटी कर रहा था, उसकी ड्यूटी थी, बट वो पर्सन जो ओल्ड मैन था उसको समझना चाहिए, उसको अपनी टिकट दिखाना चाहिए और वो बस दे देना चाहिए ओके। तो नाउ दिस चैप्टर इज डन ओके। So if you liked this video, please subscribe, please like, share it, and if you want any chapter of A class 8 ICSE board, you can ask me, I will make video, okay? Please, 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 in any subject you can ask, okay? Thank you so much. Please subscribe it once more, I'm saying to you, please subscribe it.